तो गाइस जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपने गेम के अंदर आ चुका होगा OB38 अपडेट। अब देखते देखते इतने अपडेट कब आ गए किसी को पता नहीं चला, है ना, मुझे ही पता नहीं चला। मैं गेम खेला तो मैं शौक हो गया, भाई ये कब हो गया। अब आप लोग एक अंदर की बात बताऊंगा इस वीडियो में अनबैन को लेके, गरीना फ्री फायर अनबैन को लेके, कि शायद कुछ हो सकता है। तो छोटी सी वीडियो देखते रहो, क्या पता भाई मेरी बात सही में सोचो, क्योंकि बहुत अंदर की बात है। सबसे पहले अपने गेम के अंदर जो नई चीज आती है अपडेट के बाद, वो आती है लूट रडार। अब ये लूट रडार अपने गेम के अंदर देखने मिलेगी, कैसे देखने मिलेगी ये तो नहीं पता, लेकिन दोस्तों इसका काम ये है कि अपने आसपास कोई लूट होगी तो हमको वो आसानी से अपने को देखने मिल जाएगी, शायद मैप के ऊपर ही देखने मिल जाएगी अगर कोई लूट अपने आसपास होगी तो। और दूसरा आता है जैमर, तो ये शायद अपने को मिलने वाली है एयरड्रॉप में, और जो अपनी लोकेशन है उसको जाम कर देगी, ये भी UAV की लोकेशन को जाम कर देगी, जो मैप के अंदर जो दिखाई देता है ना लाल लाल सा डॉट, उसको जाम कर देगा। उसके बाद आता है ग्लू वॉल मेकर, ग्लू वॉल मेकर कुछ इस टाइप का वर्क करेगा कि जितना आप डैमेज दोगे वैसे ही ये आपको ग्लू वॉल बना के दे जाएगा। इसके आप टोटल 5 ग्लू वॉल ले सकते हो, मतलब आपको शायद वैगर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है गेम के अंदर। और जो मेन कैरेक्टर है स्कैलर, उसके एबिलिटी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। अब स्कैलर की एबिलिटी को आप जब यूज करोगे तो डायरेक्टली वो एक सेकंड में ग्लू वॉल नहीं फोड़ेगा, उसकी कुछ लिमिटेशंस आ गई है। अब अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके तो दिखा नहीं सकता, लेकिन आप समझ जाओ कि स्कैलर की एबिलिटी की माबहन कर दी गई है। और बात रही केंटा की, तो केंटा की एबिलिटी में भी कुछ माबहन की गई है कि जैसे आप केंटा की एबिलिटी यूज करोगे तो जो उसका शील्ड है उसमें थोड़े चेंजेस किए गए हैं। अब उसको भी प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा पाऊंगा गाइस, अब जब गेम में अपडेट आएगा तो आप समझ जाओगे। मैं यहाँ पे स्क्रीन में कुछ गन्स दिखा रहा हूँ, इसकी कुछ एबिलिटीज है, इनको पढ़ाया गया, मतलब पावर को बढ़ाया गया है। एंड एक गन की जो पावर है कम किया गया है, वो लॉन्चर है, उस गन की पावर को, जो पावर है गन की पावर को, उसको कम कर दिया गया है। अब फाइनली बढ़ते हैं हमारे लास्ट अपडेट की तरफ, वो है एक कैरेक्टर की तरफ, नया कैरेक्टर आने वाला है गेम के अंदर और वो है एंटिनो। अब एंटिनो की एबिलिटी ये है कि भाई आप इससे एक पुतला बना सकते हो, आसान भाषा में कहूँ तो, और वो पुतला धीरे धीरे करके आगे जाएगा, और अगर उसी पुतले को सेकंड टाइम यूज़ करोगे तो जहाँ पे वो पुतला है वहाँ पे आप टेलीपोर्ट हो जाओगे, कुछ इस टाइप की इसकी एबिलिटी है। अब प्रैक्टिकली तो भाई गेम में आने के बाद ही बता पाऊंगा मैं, पता नहीं फ्री फायर कैसे कैसे एबिलिटीज को लाता है यार। अब लास्टली बढ़ते हैं अपने फ्री फायर अनबैन को लिखे, क्या इस अपडेट के बाद से फ्री फायर का अनबैन कुछ लेटेस्ट अपडेट आ सकता है। तो देखो फैक्ट्स के अकॉर्डिंग कहूँ तो फ्री फायर और जो BGMI है वो एक साथ अनबैन होने चाहिए, मतलब एक थोड़े थोड़े दिन के गैप में वो अनबैन होने चाहिए, प्ले स्टोर में रिटर्न करने चाहिए। तो यहाँ पे अपडेट ऐसे निकल के आ रही है कि 15 तारीख को या तो अपने फ्री फायर और BGMI का अनाउंसमेंट होगा, या तो 15 तारीख को डायरेक्टली BGMI आ जाएगा प्ले स्टोर पे, ये दोनों में से कुछ होगा। लेकिन जहां तक मेरे को लग रहा है 15 के बाद से, अगर अपने फ्री फायर की बात करें, BGMI को उठा दे, BGMI कुछ भी कर अपने क्या करना है, तो अगर फ्री फायर की बात करें तो हाँ फ्री फायर को शायद 15 तारीख के बाद से कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है, ऐसा मेरे को कहीं सुनने में आया है। अभी भी कुछ भी चीजें कन्फर्म नहीं है, तो लाइक देखते हैं गाइस 15 को अनाउंसमेंट होता है या फिर 15 को डायरेक्ट प्ले स्टोर में आ जाएगा, वो देखना होगा। बट ऐप स्टोर में आने में 15-20 दिन और लगेंगे, बहुत टाइम लगने वाला है ऐप स्टोर में आने में, जब अनबैन होगा उससे 15-20 दिन बाद ऐप स्टोर में आएगा, तो एप्पल वाले भूल जाओ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।